आज जो हम स्टॉक की बात करने जा रहे हैं उसके जो फंडामेंटल्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो स्टॉक है उसका मार्केट कैप 29,000 करोड़ का है और उसकी जो पीई रेशो है वो 9.11 है और जो पीवी रेशो है वो 0.90 है, जो कि एक अच्छा पीवी रेशो है। अंडर वन के जो पीवी रेशो होते हैं वो उसमें स्टॉक के जो इन फ्यूचर में ग्रोथ करने के चांसेस बहुत रहते हैं। और इंडस्ट्री पीई 21.86 है और इसका जो आरओई है वो 10% प्लस है और जो ईपीएस है वो 3.52 है और जो इस ये शेयर दोस्तों डिविडेंड भी दे रहा है हमें 5.41% के अराउंड। और जो इसकी बुक वैल्यू है, जो कि इसका एक मेजर फैक्टर होता है किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए, जो कि 34.88 है, जो कि जो कि स्टॉक के जो आप ऊपर देख सकते हो जो इसका प्राइस है 29.75, जो कि आज की डेट में ट्रेड कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब इन फ्यूचर में ये स्टॉक हमें काफ़ी अच्छी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हमें प्रॉफिट देगा। और दोस्तों आप देख सकते हो जो स्टॉक का नाम है वो NHPC है, जो कि एनर्जी सेक्टर में आता है। जैसा कि आप जानते हो इस टाइम ग्रीन एनर्जी और दूसरी एनर्जी के जो ट्रेडिंग के सेक्टर्स हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं हमें, जैसे अडानी का ग्रीन एनर्जी का हो गया वो भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। उसी तरीके से ये भी एक पैनी स्टॉक है जो कि हमें अच्छी जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हमें प्रॉफिट देगा। अगर हम इसके एक दिन के प्रॉफिट की बात कर लें तो आज की डेट में इसने 0.68% का हमें प्रॉफिट दिया है। अगर हम इस के वीक की बात करें तो ये वीक में कुछ लो गया था, लेकिन अगर हम इसके मंथ की बात करें वो भी अभी मार्केट जैसे बुलिश चल रहा है तो उसकी वजह से अभी ये थोड़ा डाउन चल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर में ये हमें अच्छी ग्रोथ दे रहा है। जैसे आप देख सकते हो ये अभी 24 से शुरू हुआ, अभी ये अपनी ग्रोथ पे जा रहा है स्टॉक, तो इन फ्यूचर में ये हमें अच्छी ग्रोथ ही देगा। अगर हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो घटने की बजाय बढ़ा ही है। अभी लास्ट का सितंबर 21 का देखें तो वो 2,941 करोड़ के अराउंड रेवेन्यू है कंपनी का। अगर हम बात करें प्रॉफिट की दोस्तों तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट करा है कंपनी ने। सितंबर 21 में इसने 1,296 का प्रॉफिट जनरेट करा था, तो इसकी जो नेटवर्थ है वो भी इंक्रीज़ हुई है दोस्तों। सितंबर 21 में ये 35,000 प्लस हो चुकी है कंपनी की जो ओवरऑल नेटवर्थ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक अच्छी कंपनी है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल बैलेंस मिल सके अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म रखते हो। इसमें आप शॉर्ट टर्म या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हो, लेकिन उसमें लॉसेस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जैसा अभी हमने देखा इतना फास्ट ये भी ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म एक 6 महीने से 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो दोस्तों आई एम श्योर आपको अच्छा प्रॉफिट इसमें गेन होगा। तो इसमें आप अकॉर्डिंगली आप जितनी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसकी जो फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग ये अभी ग्रोथ करेगा इन फ्यूचर में, काफ़ी अच्छे हमें रिजल्ट्स देगा। और अगर हम कंपनी की बात करें तो ये पुरानी कंपनी है NHPC लिमिटेड के नाम से, जो कि 1975 में लॉन्च हुई थी, फाउंडेड हुई थी। और इसके अगर शेयर होल्डर की बात करें, पैटर्न की बात करें, तो प्रमोटर की होल्डिंग 70
अराउंड 71% है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 8+% है, रिटेल की है अपनी 7 अराउंड 8%। इसमें एक जो ख़ास बात है, म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट भी हुआ है 7.33% के अराउंड, और इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन के ना का इन्वेस्टमेंट भी आता है जो कि 5.5% से ज़्यादा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये शेयर है, आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट इसमें हुई हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स हैं शेयर होल्डर्स की, अलग अलग कैटेगरी के जो शेयर के पैटर्न होता है, तो लॉसेस होने के चांसेस काफ़ी कम है इसमें। और इसके फंडामेंटल के अकॉर्डिंगली ये शेयर इन फ्यूचर में आगे ही बढ़ेगा, बट आपको मैं सजेस्ट करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट इस शेयर में आप करिए। और शेयर करने से पहले दोस्तों इस स्टॉक को आप अच्छी तरह से अपने बिहाफ के ऊपर भी अच्छे से स्टडी कर लो, और उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें अगर आपको ठीक लगे। इसके फंडामेंटल्स स्टडी करिए और इसके जो प्रॉफिट है, बैलेंस शीट, वो सारा आप चेक कर सकते हो, उसके बाद ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ट्रेडिंग से रिलेटेड, पैनी स्टॉक के रिलेटेड वीडियो लेने के लिए धन्यवाद।